लेकिन इस प्रजाति का मानना है कि पूरी दुनिया पैक लोड़ी है और इस वीडियो में किसी भी एमएलएम वाले को कोई हानि नहीं पहुंची है। हाँ, अगर अगले दिन उनके पिछवाड़े में से आग निकले तो उसकी हमारी कोई गारंटी नहीं है। धन्यवाद, वीडियो पूरी देखिएगा। सो हेलो गाइज, वेलकम यू ऑल ऑन श्रोन जोन चैनल। एंड गाइज, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी प्रजाति के बारे में जो कहने को खुद तो बेरोजगार है, पर इस पूरी प्रजाति ने ठेका ले रखा है पूरी दुनिया को मल्टी बिलियनियर बनाने का। और ये प्रजाति कुछ दो तीन दशकों से हमारे बीच जुड़ी हुई है, हमारी नाक के बिल्कुल नीचे। सही समझे, एमएलएम वाले कहने को। वैसे तो ये प्रजाति अपने आप को कई अलग अलग नामों से बुलाती है, नेटवर्क मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग। इस प्रजाति के हिसाब से पूरी दुनिया तो चूतिया है और असली राजा तो यही लोग हैं। अंबानी अडानी तो नाम के अमीर है, असली पैसा तो इनके बोस के पास है, देश वही तो चला रहा है, लकड़ा बग्गा कहीं का। इस प्रजाति का सिर्फ इतना काम है, 200 रुपए का सूट किराए पे ले आओ, 2000 रुपए की जगह रेंट पे ले लो और बनाओ लोगों का चूतिया। तू मुझे गलत मत बोल, तू खुद को गलत बोल, तू खुद की औकात देख। लेकिन नहीं, ये दीमक लगी गांड यही नहीं रुकते। एंट्री फीस के नाम पे ये साले 50-50 रुपए करके ये पैसे भी पूरे कर लेते हैं और फिर बाद में बोलेंगे ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। घंटा मेरा वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, ऐसी अपॉर्चुनिटी हर चौथे दिन मेरे घर के बाहर घूम रही होती है। साला मुझे समझ नहीं आ रहा, ये सारी अपॉर्चुनिटी मुझे ही मिल रही है क्या? भोसड़ी का कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो हर चौथे दिन कोई नया बकलंड मेरे दरवाजे पे लेकर आ जाता है और मैं ही चूतिया हूं जो उसको मिस किए जा रहा हूं। और ये बकलंड यही नहीं रुकते, तुम चूतिया हो ये प्रूफ करने के लिए कभी किराए पे सूट लेंगे, कभी किराए पे स्कूटी, कभी किराए पे गाड़ी लेंगे। और इससे भी मन ना भरे तो जाओ जाके सालों बच्चे उठा के ले आओ। जब मैं 2026 में डायमंड बन के आऊंगा। वाह वाह वाह, और ये बच्चा किसका है? इससे अच्छी एक्टिंग तो मेरी बिल्ली कर लेती है और वो तो बोलती भी नहीं है। साला देख रहा, अरे आराम से दिखा, आंख में घुसेगा क्या? तो साला लो। अबे कोई इस लकड़ा बग्गे को समझाओ। बेटी, अगर इन तीखी जांघों पे इतना अत्याचार करोगी ना और हाथ गलती से थोड़ा इधर उधर चला गया तो ना जांघ बचेगी ना आंट। आज से पहले मेरे पास कोई कपड़े छी पैसा बर्बाद। बोला इनसे जाता नहीं है, जगह जगह पे फंबल करते हैं और इन्हें डायमंड बनना है। हा? बेटी ऐसे करोगे ना तो कोई एक रुपया भी नहीं देगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा सर, कहते हैं ना जब इंसान पढ़ाई लिखाई करता है तब समझ में आती है पढ़ाई लिखाई होती क्या है कि नहीं। अब जिस दिन नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग की डिग्री लेगा ना तब समझ में आएगी है क्या। अभी ये भोसड़ी वाले अगर किसी के पीछे पड़ जाए ना तो साले चार गालियां खाए बिना पीछे नहीं हटते। इतना डेडिकेटेड अगर अपने करियर को लेकर होते तो आज ये सब ना करना पड़ता। पहले प्लान दिखा रहे हैं। बताइए प्लान बताइए। अबे गांडू इंसान, ये इनके बीच आ गया। अबे ये हम शहर वालों की तरह नहीं है कि घर पे बुला के चाय पानी पूछेंगे। अगर इनके साथ ज्यादा बकचोदी करी ना पूरा गांव का गांव मिलके कूटेगा। अगर हम फंसे हो तो ये मेरे पास गाड़ी कहाँ से आती है? आपके पास पैसे आप बता रहे हो 10 होती है। और ये किराए की सेकंड हैंड गाड़ी लेके किसका चूतिया बनाने के लिए निकला है? भोसड़ी के पूरा का पूरा खानदान खरीद लेंगे तेरा, इतना पैसा पड़ा है इन लोगों के पास। मेरे को भी समझ नहीं आती, मैं भी किन चूतियों में वीडियो बना रहा हूँ। आज के दिन ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले चुका हूँ मैं, बस अब और नहीं होगा मुझसे। तो बस भाई आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक कर देना, नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आपको। और भाई किसी को भी बेफालतू का हेट करने की जरूरत नहीं है, जो पहली बर्बाद है उसको और कितना बर्बाद करोगे। तो बस यार मैं चलता हूं, मुझे अपने नीचे दो और बंदे ऐड करने जाना है, तो बाद में मिलते हैं, बाय बाय। थैंक्स, लव यू forever.